कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम है। रामीन रामीन रामीन, क्यों ना पेस्ट्री खाई जाए। दिल तो मेरा भी चाह रहा है। चलो चलो फिर हम बेकरी की तरफ चलते हैं। अकेले अकेले ही चलते हैं, हमारी बाकी सहेलियाँ भी तो अकेले जाती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कनीज फातिमा वो तो हर चीज में बहुत रोक टोक करती हैं। छोड़ो ना उनको, हम छुप छुपा के निकल जाते हैं। चलो चलो इधर आए, कहाँ जा रही हैं? वो हम पेस्ट्री लेने जा रहे थे, अभी आपके लिए भी लाएंगे। अच्छा, तो आप मुझे लालच दे रही हैं, और आपको तो पता है ना लालच बुरी बला है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, जो लालच और गुस्से से बच गया वो कामयाब हो गया। अच्छा तो हमें जाने देना। अकेले? अकेले नहीं जा रही, रामीन साथ है। अरे मेरा मतलब कोई बड़ा तो नहीं है ना? दूसरे बच्चे भी तो अकेले जाते हैं, उनके साथ भी तो कोई बड़ा नहीं जाता। मगर वो बच्चे आपसे बड़े होते हैं, और जो छोटे और अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाते। लेकिन क्यों? भाई सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए बाबा से इजाजत लेनी चाहिए, और बगैर इजाजत घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई वजह भी बताए ना, तो हर वक्त अम्मा बुआ बन जाती हैं। वजह? वजह पूछनी है आपको? बताती हूँ वजह। कोई पेस्ट्री या चॉकलेट का कहकर अगवा भी कर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बासी चीज भी ला सकती हैं जिससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, और हाँ कुत्ता भी पीछे लग सकता है, जैसे बबलू भाई के पीछे लगा था। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो किड्स मदनी चैनल को यूट्यूब पर देख सकते हैं। और हाँ, औरतें और बच्चे घर में ही अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 21 की सूरह अज़ाब की आयत नंबर 33 में फरमाता है, वकरना फी बुयूती कुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। जज़ाकिल्ला, आइंदा हम दोनों इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन पेस्ट्री कैसे खाई जाए? वो हम बाबा से मंगवा लेते हैं। हाँ ये ठीक है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा।